बिग बॉस का शो पसंद करने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि शो को एक्सटेंड कर दिया गया है 2 हफ्तों के लिए। और इतना ही नहीं, कौन होंगे टॉप 4 कंटेस्टेंट, इस बात के भी चर्चे शुरू हो गए हैं। तो मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी कि आखिर बिग बॉस के शो का फिनाले अब किस दिन होगा। तो सबसे पहले इस शो का फिनाले 15 फरवरी को होने वाला था। सॉरी, अब 15 फरवरी की जगह जो है इस शो का फिनाले होगा 29 फरवरी को। जी हाँ, सुनने में यही खबर आ रही है कि जिस तरह से ये शो टीआरपी देता जा रहा है, जिस तरह से लोग इस शो को जितना पसंद कर रहे हैं, जितना इस शो को प्यार मिल रहा है, उसको देखते हुए इस शो को 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। यानी 15 की जगह अब ये शो खत्म होगा 29 फरवरी को। और यहाँ तक अभी तक के जितने वोटिंग ट्रेंड्स हैं, उसके आधार पर मेकर्स को जो लग रहा है टॉप 4 में फाइनलिस्ट जाएंगे, उसका भी उन्होंने एक टेंटेटिव जो है कंटेस्टेंट की चीज़ें जो है बाहर आ रही हैं कि इन 4 कंटेस्टेंट के टॉप 4 तक जाने की खबरें हैं। तो इन 4 कंटेस्टेंट में अगर मैं बात करूं तो सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, आसिम रियाज और रश्मि देसाई। जी हाँ, खबरें यही आ रही हैं कि यही 4 कंटेस्टेंट जो है टॉप फिनाले में जाएंगे। और इतना ही नहीं, अब शो जो है 2 हफ्ते और एक्सटेंड हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जब शो एक्सटेंड होगा तो क्या उसको जानबूझकर खींचा जाएगा, या 4 टॉप कंटेस्टेंट की जो मैं बात कर रही हूँ, जिनके 4 नाम जो है अभी तक की वोटिंग ट्रेंड्स को देखकर लग रहा है कि इन 4ों के टॉप 4 में जाने की संभावना है, तो आप इससे सहमत है या नहीं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।